अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अदनान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी यू लर्निंग जोन। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फिज़िक्स 101 के असाइनमेंट नंबर 2 का करेक्ट सलूशन। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। इसके अलावा आपको फाइनल टर्म की तैयारी के लिए और तमाम किस्म की फाइल्स मिल जाएंगी। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हम अपने पहले क्वेश्चन फाइल देख लेते हैं। ग्रेडेड असाइनमेंट नंबर 2 है, टोटल मार्क्स इसके 25 हैं और लास्ट डेट है इसकी 24 जुलाई। आपने कोशिश करनी है 24 जुलाई से पहले पहले कर लें। आपको पता ही होगा कि लास्ट वाले डेज़ में ऑलमोस्ट LMS डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी असाइनमेंट रह जाती है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव पढ़ लेनी है आपने और ये आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, ये ऑलरेडी आपको पता होंगी। एंड अगर कोई आपका क्वेश्चन या कुछ भी मतलब पूछना चाह रहे हैं तो आप इस ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस पर ना आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। इसके 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है जो 5 नंबर का है, दूसरा है 5 का है वो, और उसके बाद फिर 5 का है और उसके बाद आ जाता है 10 नंबर का। क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि आपने कॉपी पेस्ट किस तरह करना है। आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आप कोई भी असाइनमेंट कॉपी करके उसे कैसे मतलब कि पैराफ्रेज कर सकते हैं और अपनी असाइनमेंट बना के अपलोड कर सकते हैं और पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो ये ट्रिक मैं वीडियो के एंड पर बताऊँगा आपको, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सॉल्यूशन फाइल को देख लेते हैं। ये फ़ाइल आपको हमारे ग्रुप्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। ये ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन है उसको मैंने उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि मैं अब इसको अगर एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी जिससे आपको ठीक से समझ भी नहीं आ पाएगी। ये देखें, पहला क्वेश्चन है, इज़ इट ट्रू और रॉन्ग टू से डेट करंट डिक्रीज वैन पासिंग थ्रू अ रजिस्टर एंड देन इंक्रीज अगेन अपॉन एग्जिस्टिंग, प्रोवाइड अ गुड आर्गूमेंट फॉर योर आंसर। अब क्वेश्चन क्या है, उन्होंने पूछा है कि क्या ये कहना दुरुस्त है या गलत है कि जब करंट रजिस्टर से गुजरता है तो कम होता है, जब रजिस्टर से गुजर जाता है बाहर निकलता है तो बढ़ जाता है। आपने अपने मतलब के जवाब देना है आपने अपने लफ्ज़ों में, अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो बहुत ही इजी है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा एंड पर आपने किस तरह करना है, लेकिन कुछ चेंजेस कर लेनी है। बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ये है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, यूजिंग द लॉ ऑफ फिजिक्स एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स व्हाई डू वेव्स चेंज पाथ व्हेन देयर स्पीड चेंजेस, एक्सप्लेन द फिनोमेना फॉर इंस्टेंस यूजिंग द मैकेनिकल कंपैरिजन इन द फोटोशो। ये आपको तस्वीर में दिखाया गया है, मतलब कि इस क्वेश्चन का जो मतलब है ना कि अपने जस्ट मैं आपको आसान से वर्ड्स में बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब गाड़ी जा रही होती है, सम टाइम आपने वीडियोज़ वगैरह में देखा होगा कि जब गाड़ी जा रही होती है या कोई मतलब रेत वगैरह आ जाए या फिर कोई स्लिपरी जगह लाइक आइस वगैरह हो, लाइक जैसे मरी में लोग जाते हैं तो बाज़ दफ़ा उनकी गाड़ी जो जा रही होती है वो स्लिप हो जाती है। वही उन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा कि ऐसा क्यों होता है जबकि मतलब रोड के ऊपर गाड़ी सही जा रही है तो ऐसे गाड़ी स्लिप क्यों हो जाती है। ये क्वेश्चन आप नीचे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगी। इस तस्वीर की वजाहत करें, जब लहरें अपनी रफ्तार बदलती हैं तो रास्ते क्यों बदलती हैं। इन इस रुझान की वजाहत करें, मिसाल के तौर पर दिखाई गई तस्वीर में मैकेनिकल मुवाजना का इस्तेमाल करते हुए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपने यहाँ पर, मैंने काफ़ी बड़ा करके एक्सप्लेन किया लेकिन आप इसे अपने शॉर्ट वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं और आपको ऑलमोस्ट इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह। ये क्वेश्चन आप देख लें, ये इसका पार्ट थोड़ा सा नीचे है।
यहाँ तक। एंड क्वेश्चन नंबर थ्री है, एट फिजिक्स अ फिजिक्स स्टूडेंट असर्टेड डेट डेट ही हैड डिटरमाइंड डेट अ सब्सटेंस मटेरियल हैड अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 0.85। गिव योर प्रोफेशनल जजमेंट ऑन दिस क्लेम, गिव अ गुड आर्गूमेंट टू सपोर्ट इट और नेगेट इट। तो ये आपने जब उर्दू में इसके ट्रांसलेट पढ़ेंगे ना, लाइक मैंने ट्रांसलेट किया हो, जब इसकी उर्दू पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। ये सबसे इजी क्वेश्चन है और सबसे इसका आंसर भी छोटा है। ये तकरीबन 5 नंबर का मार्क्स है, इसमें आई होप कि आपको पूरे ही मार्क्स मिल जाएंगे। ये आपने पढ़ लेना है इसे। और अगर आप जस्ट इधर से अगर इसमें चेंजेस करना चाह रहे हैं ना, लाइक जैसे मैं ये अब ये वर्ड चेंज करने जा रहा हूँ, इसका आपने सिनोनिम देख लेना है। ये देखें, ये आ गया, ये मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। रिफ्लेक्टिव का इसका कोई नहीं है, अप्रोक्सीमेटली अबाउट ये कर सकते हैं, लेकिन इससे भी आसान हल है, मैं आपको वो बताऊंगा, वो आप एक क्लिक में सब कुछ कर सकते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये देखना है। ये देखें, आपको ये तस्वीर दी गई है, ठीक है। इसमें इस आइसबर्ग का क्या हिस्सा पानी की सतह के नीचे है। तस्वीर में दर्ज कसाफत के इकदार का इस्तेमाल करें, इसकी गिनती के लिए तबात का कानून का इस्तेमाल करें। ये देखें, आपको क्वेश्चन ये दिया गया है, मतलब कि आपने इसे सॉल्व करना है। तो ये आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसमें आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ से थोड़ा सा मतलब उसे एक्सप्लेन करना है कि आप मतलब किस चीज़ के रिलेटेड बात कर रहे हैं और इसे सॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये आपने जस्ट कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर आपका सलूशन एंड हो जाएगी। इस मार्क्स सॉरी इस क्वेश्चन के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने चेंजेस कैसे करनी है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पैराग्राफ में चेंजेस करना चाह रहा हूँ, इसको मैंने जस्ट कॉपी कर लेना है। आपने गूगल पर आकर आकर लिख देना सिंपल पैराफ्रेजिंग टूल, काफ़ी सारे आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा, आपको इसका लिंक भी दे दूँगा। आपने यहाँ पर जस्ट अपना टेक्स्ट पेस्ट कर देना और पैराफ्रेज पर क्लिक करके आई एम नॉट रोबोट, ये देखें ये स्टार्ट हो गया विद इन फ्यू सेकंड। ये देखें, ये उसने आपको पैराफ्रेज करके दे दिया। अभी देखें, ये मैंने पैराफ्रेज किया तो उसने इसके वर्ड्स चेंज कर दिए, वर्डिंग चेंज कर दिए। अब ये इसमें प्लेजरिज्म नहीं आएगा। प्लेजरिज्म किस तरह चेक करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कोई चीज़ कॉपी की है उसको चेक किस तरह करना है। सिंपली इसी साइट पर आपको मिल जाएगा प्लेजरिज्म चेक, आपने जस्ट इधर पेस्ट करना है और चेक प्लेजरिज्म आई एम नॉट रोबोट। ये सिंपली कुछ सेकंड लेगा, उसके बाद आपको चेक करना चेक करके दे देगा। ये देखिए, 100% यूनिक कंटेंट। अगर आपका प्लेजरिज्म आता भी है तो आप इधर से इसे कर देंगे चेक, सॉरी यहाँ से इसे रिमूव कर देंगे। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप डीए चेकर में आई थिंक ऐसे ना डाल के आप इसे कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। आपको फाइल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर नहीं मिलता तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।